Hello students, welcome to MSS teachers. Today we will solve question number 8 of exercise 12.3. Exercise 12.3 में हमें figure given है. इसमें mention ये track है. It depicts a racing track whose left and right ends are semicircles. इसके left और right ends जो है वो semicircles बन रहा है. The distance between two parallel line segments is 60 meter. ये two parallel lines हमारी जा रही हैं इनके between जो distance है वो है 60 meter. And they are each 106 meter long. 106 meter इनकी length है दोनों की. If the track is 10 meter wide, इसकी जो wideness है वो दे रखी है 10 meter. Find करना distance around the track along its inner edge. अब inner edge ये है हमारी, ये और ये, AB और EF, ये inner edge है. अब inner edge के साथ इसकी distance निकालनी है. तो ये inner edge हो गई दो, और ये दो ये semicircles हो गए. इनका सेमीसर्कल का सर्कमफेरेंस एंड इनर एज की लेंथ दोनों को हम सम करते हैं तो डिस्टेंस निकल के आ जाएगी. बट सेमीसर्कल्स के लिए हमें क्या चाहिए, रेडियस. अब देखो रेडियस ये डिस्टेंस हमें गिवन है 60, तो ये क्या हो गया डायमीटर. अब डायमीटर को डिवाइड कर देंगे 2 से तो 30 हमारी निकल के आ जाएगी रेडियस. तो फर्स्ट रेडियस फाइंड कर लेते हैं. रेडियस ऑफ सेमीसर्कल इक्वल टू 60 डिवाइड बाय 2 30 मीटर. 2 से 60 30 टाइम्स किया 30 मीटर निकल के आ गई. अब इसकी डिस्टेंस निकालते हैं. तो डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग इट्स इनर एज. इनर एज क्या है हमारी, ए बी प्लस ई एफ प्लस सर्कमफेरेंस ऑफ टू सेमी सर्कल्स. तो टू इंटू सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल्स. टू इंटू क्यों किया, क्योंकि ये टू सेमी सर्कल्स है. तो ए बी प्लस ई एफ, ए बी क्या गिवन है हमें 106 प्लस 106 प्लस 2. सेमी सर्कल्स क्या है, सेमी सर्कल्स में हमारा फॉर्मूला होता है सर्कमफेरेंस का 2 पाई आर बाई 2. सर्कल का सर्कमफेरेंस निकालते हैं 2 बाई आर से, तो सेमी सर्कल है तो डिवाइड बाई 2, तो पाई आर होता है. एक्चुअली क्या होता है वो पाई आर. सो प्लस 2 इंटू 2 पाई आर डिवाइड बाई 2. 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां पर 106 106 हो जाएंगे. 212 प्लस 2 पाई आर, 2 इनटू पाई की वैल्यू पुट करेंगे 22/7 इनटू आर की वैल्यू पुट करेंगे 30. ये हमारा सर्कमफेरेंस सर्कल का होता है 2 पाई आर. सेमी सर्कल का होता है 2 पाई आर डिवाइड बाय 2. 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और 2 इसलिए यहां पर मेंशन किया क्योंकि 2 सेमी सर्कल्स गिवन है हमें. इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो वैल्यू हमारी निकल के आई है, जिसकी जो डिस्टेंस निकल के आई है 2804 डिवाइड बाय 7 मीटर. फर्स्ट हमारा सॉल्व हो चुका है, ये हमने इसकी डिस्टेंस निकाल ली है. अब हमें पता करना है एरिया ऑफ ट्रैक. अब यहां पर आप चेक करेंगे एरिया ऑफ ट्रैक मींस ये वाला एरिया, एरिया ऑफ ट्रैक. अब एरिया ऑफ ट्रैक में क्या-क्या आ रहा है, एक तो ये सेमी सर्कल सी वाला बिग वाला सेमी सर्कल्स दो लेफ्ट एंड राइट, बट इसमें भी ये स्मॉल वाला जो सेमी सर्कल्स है ये हमें माइनस करना है क्योंकि ये ऑलरेडी निकल चुका है. तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तभी इसका निकलेगा, क्योंकि हमें इसका निकालना ही नहीं है हमें. अब एरिया ऑफ टू सेमी सर्कल्स प्लस इसमें एरिया ऑफ ये डिस्टेंस है जो हमारी सी डी जी एच, सी डी जी एच जो डिस्टेंस है इसका एरिया. एरिया ऑफ ट्रैक मैं इसको इरेज कर देता हूं. नाउ वी विल सॉल्व सेकंड पार्ट, सेकंड एरिया ऑफ ट्रैक. देखो एरिया ऑफ ट्रैक निकालना है. एरिया ऑफ ट्रैक मींस इसका एरिया प्लस इसका एरिया प्लस टू सेमी सर्कल्स का एरिया, इसको हमें निकालना है. तो एरिया ऑफ ट्रैक निकल के आ जाएगा. तो एरिया ऑफ ट्रैक क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रैक
ट्रैक इक्वल टू एरिया एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ई एफ जी एच। ये एक रेक्टेंगल बन रहा है यहां पर और एक रेक्टेंगल बन रहा है, प्लस क्या करेंगे उसमें, प्लस टू सेमी सर्कल्स है तो टू इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कल विद रेडियस 40 माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्कल विद रेडियस 30 मीटर। अब देखो ये मैं थोड़ा आपको डीप में समझा देता हूं, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया है। यहां पर आप चेक करेंगे ये जो स्मॉल वाला जो सेमी सर्कल है इसकी रेडियस क्या है हमारी 30 मीटर। अब हमें जो ये लार्ज वाला जो सेमी सर्कल है ये है इसकी रेडियस निकालनी है, तो इसकी रेडियस हम निकाल देते हैं यहां पर। इसकी देखो डिस्टेंस क्या है, इसकी डायमीटर क्या है, ये 60 गिवन है हमें, इसकी विड्थ 10 है, तो 60 प्लस 10 प्लस 10 कितना हो गया 80 मीटर। तो 80 मीटर डिस्टेंस हो गई ये हमारी, जी से लेकर सी तक की डिस्टेंस कितनी 80 मीटर। तो इस सेमी सर्कल का ये डायमीटर होगा। अब आर कितनी आ जाएगी 80 डिवाइड बाई 2 40 मीटर। इसकी जो रेडियस निकल के आई कितनी निकल के आई, ये 40 मीटर, ठीक है। अब यहां पर हम चेक करेंगे कि हमें ये माइनस क्यों किया, ये तो समझ में आ गया इसका एरिया हमने प्लस किया प्लस इसका एरिया प्लस किया, माइनस ये क्या है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल विद रेडियस 30 मींस जब इसका सेमी सर्कल का एरिया निकालेंगे तो उसमें कौन सा एरिया इंक्लूड हो रहा होगा, दिस वन, इसका जिसके हमें लेकिन कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हमें केवल ट्रैक का एरिया निकालना है इस वाले ट्रैक का। तो इसको हम इसलिए सेपरेट कर रहे हैं क्योंकि इस बड़े वाले सेमी सर्कल के एरिया के साथ में ये छोटा वाला सेमी सर्कल का एरिया भी आ रहा है, राइट। सो इसलिए हमने यहां पर किया है माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्कल विद रेडियस 30 मीटर। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल एबीसीडी निकालते हैं, तो अब एरिया ऑफ एबीसीडी इसकी लेंथ है 106 विड्थ है 10, तो 106 इंटू 10 प्लस 106 इंटू 10 प्लस 2 एरिया ऑफ सेमी सर्कल। एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है, एरिया होता है सर्कल का पाई आर स्क्वायर और सेमी सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर बाई 2। बट जैसे कि 2 सेमी सर्कल्स हैं तो 2 इंटू पाई आर स्क्वायर बाई 2 माइनस, अब इसमें से एरिया ऑफ सेमी सर्कल रेडियस 30 का माइनस करना है वो भी 2 है तो 2 इंटू पाई आर स्क्वायर बाई 2। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये सॉल्व होने के बाद आया 1060 प्लस 1060 प्लस, अब यहां पर वैल्यू पुट करते हैं 2 इंटू 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों जगह, तो यहां पर पाई की वैल्यू पुट करते हैं 22/7 इंटू, अब पहले वाले सर्कल में आर क्या लेंगे 40, तो 40 इंटू 40 माइनस 22/7 इंटू 30 इंटू 30, अब 1060 हो जाएंगे, ये आया 422/7 माइनस 2120 प्लस 22/7 कॉमन लेते हैं दोनों में से, 22/7 कॉमन आ गया तो यहां पे बचा 1600 माइनस 900, 2120 प्लस 22/7 ब्रैकेट में बचेगा हमारा
700, और 700 को फर्दर सॉल्व करेंगे 10 टाइम्स 100 टाइम्स कट जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 2200। तो इसको फर्दर ऐड करेंगे 4320 मीटर स्क्वायर। सो एरिया ऑफ ट्रैक जो निकल के आया है 4320 मीटर स्क्वायर, मींस इस ट्रैक का एरिया 4322 मीटर स्क्वायर आया। कैसे निकाला, दो रेक्टेंगल गए बने हुए, दोनों रेक्टेंगल का एरिया निकाला प्लस सेमी सर्कल का एरिया निकाला, सेमी सर्कल में से जो स्मॉल वाला जो सेमी सर्कल से विद रेडियस 30 मीटर उसका एरिया माइनस किया और उनको सम किया, इस तरीके से हमारा एरिया ऑफ ट्रैक निकल के आ गया। कॉम्प्लिकेट किया हुआ है चीजों को, बट अगर आप ध्यान से देखोगे तो यू विल अंडरस्टैंड इट। सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ एक्सरसाइज 12.3। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल सी क्वेश्चन नंबर 9। थैंक यू।